अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस पंडाल में विराजमान मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, वडील, जनप्रतिनिधि और समस्त हमारे भाई, आज आप सब बड़े उत्साह के साथ ये हमारे लेफ्ट हैंड अपने अस्तित्व को लेके, आने वाली पीढ़ी की रक्षा को लेके और संवैधानिक अधिकार को लेके सजग हुए, और सजग होने के बाद भारत आदिवासी पार्टी का आप सबने दामन थामा, इसके लिए दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये वो वक्त है, ये वो वक्त है जो मावजी महाराज की जो भविष्यवाणी थी। मावजी महाराज ने कहा था कि श्वेता सुख नि सैली वारी आवे है, हासवी लीजो काले, तो ये श्वेता सुख नि सैली वारी है। और आप सबने मिलके इस समय को, इस पल को आपने समझा, इस महासमय के महत्व को समझा, और आप सबने ये समाज को जागरूक करने का काम करके ये कार्य को आगे बढ़ाया और कमल कांग्रेस की नींद उड़ाई, उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारे पूर्वज ने बड़े बलिदान के साथ कई जान गवाई, कई खून पसीना बहाया, ये देश आजाद हुआ था। काले गोरे अंग्रेजों से देश आजाद करवाया था, लेकिन 1950 के बाद से कांग्रेस बीजेपी के काले अंग्रेजों ने इस देश को लूटने का काम किया। हमारी बोली जनता बारी बारी से कमल कांग्रेस को वोट देती गई, कभी ये भला करेगा, कभी ये भला करेगा, लेकिन इन लोगों ने इस समाज को ठगने का काम किया, इस क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया। आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये शेड्यूल एरिया कहा जाता है इसको, संविधान के अंदर प्रावधान है, इसमें 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर हक अधिकार निहित है, यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान निहित है, लेकिन इन्हीं कमल कांग्रेस के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम नहीं किया, उल्टा बेचने का काम किया। इस पंडाल में माइनॉरिटी एससी ओबीसी के भाई भी पहुंचे हुए हैं, अन्य समाज जो मानवता की बात रखता है, मानव हित का सोचता है, उस सभी का हम स्वागत करते हैं। और ये जो मूल जोड़ना धनी, हमारे पूर्वज कही गया मूल जोड़ना धनी, मूल मालिक, इस देश का जो मूल मालिक है, इस मूल मालिकों को अंग्रेजों ने, कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने लूटने का काम किया है। पर ये समय हो रहा है, काफी वक्ता रह गए हैं, ये वो समय है, ये वो घड़ी है। हमारे बाप दादा कहते थे अड़ी दाड़ ने खेती बार महीना खा और टाइम मते खेती नहीं की थी तो क्षेत्र बगड़ी जाए, और ये पांच बार नहीं की थी, मतलब ये 20 दाड़ नहीं की थी, पांच बार खानदान आबा वाली पीढ़ी ने बोलो खाएगा, अड़ी दाड़ नहीं की थी बार महीना खाता, और ये 20 दाड़ में जो समय है, अने 20 दाड़ में आपने खेती करनी है 84 में, तो आबा वाली पीढ़ी ने भविष्य खाएगा, इस समाज का नाम रोशन होगा। आज से 5 साल पहले कुछ लोग कहते हैं कि क्या किया, क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन यह आया कि कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को एक करने का काम किया, परिवर्तन यह लाए। जो कभी आदिवासी कहने से शर्माता था, वो नेता आज मंच पे कहता है मैं भी आदिवासी हूं, जो अपने आप को वनवासी कहता था, जो नेता अपने आप को वनवासी जनजाति बोलता था, आज बोलने लगे हैं कि मैं भी आदिवासी हूं, यह परिवर्तन आया। जो कभी धोती नहीं पहनते थे, कहते हैं मैं भी समाज की जाजम का हूं, वो भी धोती पहन के आज घूम रहे, ये परिवर्तन आया। जो बिरसा मुंडा के लिए कहते थे कि बिरसा मुंडा क्या होता है, राह पूजा के लिए कहते थे कि ये कौन होता है, और आज इन्हीं के मंच पे बिरसा मुंडा की तस्वीर लगा, ये परिवर्तन आया। आज गोविंद गुरु महाराज संसुरमाल महाराज की धरती है, ये गोविंद गुरु महाराज के भक्तों को, संसुरमाल महाराज के भक्तों को इन लोगों ने मानसिक गुलाम बना के राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया, सिर्फ नाम लिया, और यही 84 की जनता है, 2018 में मुझे विधायक बनाया, और अपन ने गोविंद गुरु महाराज के लिए, संसुरमाल महाराज के लिए विधानसभा में बात उठाई, और आने वाले समय में यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में गोविंद गुरु महाराज और संसुरमाल महाराज का इतिहास लाने का काम करेंगे अपन लोग। यही लोग काली भाई कला सोनाना भाई खास सिंगा भाई के नाम से राजनीति किया करते थे,
और चौरासी की जनता ने मुझे विधायक बनाया और मैंने 5 साल के अंदर नाना भाई खाट, संगा भाई रोज और काली भाई कलासुआ के लिए अपन आदिवासी प्रेरणा स्थल बनाने का काम किया है। यही लोग, इन लोगों ने 2016-2013 के अंदर रिजर्वेशन बेचने का काम किया और कहते हैं हमें अनपढ़ता खबर नहीं पड़, जो अंगूठा करती तो जनता ना वोट करा ली जाता। आज श्रुत समेत ये 84 विधानसभा पर जीतने वाले हैं, लेकिन सूत समेत वसूल करना है, उनको एहसास कराना है कि ये जनता बहकाव में आने वाली नहीं है, ये जनता दारू पुटली में बिकने वाली नहीं है, उनको एहसास कराना है, क्योंकि आज तक हमारे लोगों को बहकाया गया है, चुनाव के वक्त कुछ कुछ बांट दिया, बांटने के बाद वोट बटनने का काम किया है, लेकिन इस बार एहसास कराना है कि ये 84 है, ये 84 की जनता है, तुम कितना भी बवंडर कर लो, तुम कितना भी गुमराह कर लो, ये जनता इस बार गुमराह नहीं होने वाली है। हमें सोच समझ के ये जो वोट है, ये वोट कोई फ्री में नहीं है, ये वोट कोई दान देने का नहीं है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, और ये हक हमारे पूर्वजों ने लड़ झगड़ के हमको दिलाने का काम किया। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके उनको पढ़ाते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, जेवरात गिरवी रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये सरकार है, ये पार्टियां हमारे बच्चे का भविष्य खत्म करने का काम कर रही है। जितने जो सरकारी संस्था है, इन सरकारी संस्था को प्राइवेट करने का काम कर रही है भाजपा की सरकार, और कहते हैं मोदी लाना है, मोदी 2014 से लगा के अब तक लाए, पूरे देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया। आज कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, और हमारे आदिवासी समाज की जो व्यवस्था है, रूढ़िगत जो व्यवस्था है, गमिती व्यवस्था है, पालवी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को खत्म करने का मृत शरीर सम्मान विधेयक कानून लाई है, जिससे हमारे समाज को नुकसान होगा, ऐसा कानून लाई है। लेकिन उनको भी मैं विधानसभा में कह के आया हूं कि रुक जाओ, आने वाले समय में हम इस शेड्यूल एरिया से 10 से 12 विधायक निकाल के लाएंगे, और आपकी सरकार किसको बनाएंगे वो हम तय करेंगे। और ये देश का मीडिया भी बोलने लग गया है, देश का मीडिया भी बोलने लग गया है कि राजस्थान की सरकार कौन बनेगा, उसकी चाबी आदिवासी समाज के हाथ में है, ये बोलने लग गया है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आपने देखा होगा कई मीडिया कह रहा है कि राजस्थान की सरकार कौन बनाएगा, उसकी चाबी हमारे राजस्थान के दक्षिणी इलाके के आदिवासियों के हाथ में। कांग्रेस चिंतित है, बीजेपी चिंतित है कि क्या हो गया, उनको बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारे समाज के लोगों का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, ये वक्त आ गया है, इस वक्त में हम दिखाएंगे और सूद समेल वसूल करेंगे। वोट तो देना है, लेकिन ब्याज सहित 1950 तक की अमन बेकूफ बना जाए, बारी बारी थे कि तुम्हें लुट जाए, उन लोगों ने बारी बारी से हमारे लोगों को लुटा, इस देश को लुटा है, शेड्यूल एरिया को लुटा है, हमारे अधिकारों को लुटा है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि ब्याज सहित वसूल करवाए, और बटन ये वक्त बाढ़ वो है कि कमल कांग्रेस फिर भी ना से वो कर। इसलिए आप सभी को हमें समय हो गया है, शांतिपूर्वक निकलना है, हमारे जनप्रतिनिधि आगे रहेंगे, महिला हमारे साथ रहेगी, बाकी जो पुरुष है, बाकी जो युवा साथी है, सभी को शांतिपूर्वक निकलना है। मेरे वक्तव्य के बाद से यहाँ से निकलेंगे अपन, कोई भगदड़ नहीं मचाएगा, कोई इधर उधर नहीं करेगा, सभी अनुशासन के तहत अपन को निकलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्हुटे।